गुड मॉर्निंग, मेरा नाम प्रीति कुमारी है और आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे चाहे वो यूजीसी सीएसआई या नेट का एग्जाम हो या फिर नीट का एग्जाम हो या फिर कोई भी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। पहले हम लोग शुरू करते हैं सेल एनवेलप से। ओके, तो एक डायग्राम है, मैं उसे आपको दिखाती हूँ। आज जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, वो बेसिकली बैक्टीरियल सेल्स का है, राइट। इसके बाद हम लोग आगे साइनोबैक्टीरिया के सेल के स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हम लोग आगे कवर करेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो है बैक्टीरियल सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो बैक्टीरियल सेल में ये जो ग्लाइकोकैरियोट्स हैं, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीन लेयर जो है, ग्लाइकोकैरियोट्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलकर सेल एनवेलप बनाते हैं, राइट। तो मैंने क्या कहा, सेल एनवेलप में क्या क्या होते हैं, इसके तीन लेयर है, राइट, ग्लाइकोकैरियोट्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इसमें से ग्लाइकोकैरियोट्स जो होते हैं, ग्लाइकोकैरियोट्स, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। आप देख ही रहे होंगे, ये ग्लाइकोकैरियोट्स ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है बैक्टीरियल सेल का। ग्लाइकोकैरियोट्स में क्या होते हैं, पॉली पेप्टाइड, पॉली एल्कोहल, पॉली एल्कोहल, ये तीनों जो होते हैं ये इंटरलिंक्ड होते हैं, ये लिंक्ड होते हैं किससे, पॉलीसैकेराइड्स। राइट, तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स इज अ स्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स पॉलीपेप्टाइड, पॉलीअल्कोहल और अपाइन शुगर लिंक्ड विद पॉलीसैकेराइड, राइट। आइए इसके हम लोग टाइप्स को देखते हैं। ये है स्लाइम लेयर और ये है कैप्सूल। जो स्लाइम लेयर होते हैं उसमें लूज शीट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जबकि कैप्सूल होते हैं ये हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं और इनका जो थिकनेस होता है ये कंपेयर टू स्लाइम लेयर ज्यादा होता है और जनरली ये 0.2 म्यूमीटर से ज्यादा थिक होते हैं। इसकी एक और प्रॉपर्टी ये है कि ये गमी होते हैं, स्टिकी होते हैं, ताकि ये होस्ट के साथ इजीली अटैच हो सके और वायरलेंस इफेक्ट क्रिएट कर सके, राइट। नेक्स्ट हम लोग फंक्शन देखते हैं, ग्लाइकोकैरियोट्स के फंक्शन क्या है। ओके, तो इसका फर्स्ट फंक्शन है, इट प्रिवेंट सेल फ्रॉम डेसिकेशन, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द ग्लाइकोकैरियोट्स प्रिवेंट द सेल फ्रॉम बीइंग डेसिकेटेड और बीइंग ड्राई, राइट। नेक्स्ट इसका फंक्शन है प्रिवेंट सेल फ्रॉम टॉक्सिन्स, राइट। थर्ड, प्रिवेंट होस्ट फैगोसाइट्स टू बी अटैच्ड
एपिथेलियल सेल। नेक्स्ट ये क्या करता है, स्टोर्स केमिकल्स केमिकल्स टू प्रोड्यूस बैरिलेंस इफेक्ट। ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन आयन एक्सचेंज, फिल्म फॉर्मेशन। ये ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन है, राइट। तो ये था ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन। तो आइए हम लोग सेल वॉल को देखते हैं। ये मिडिल लेयर होता है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेल वॉल जो है वो एनिमल्स में नहीं पाए जाते, एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ ये प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बैक्टीरियल सेल्स में भी पाए जाते हैं, फंजाई में, एल्गी में ये सेल वॉल अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स को देखते हैं, ठीक है। ये रिजिड होता है लेकिन फ्लेक्सिबल भी होता है। रिजिड बट फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर ये होते हैं, फ्री परमेबल, मतलब ये जो सेल वॉल है ये अपने अंदर सल्यूट को इजीली अलाउ करते हैं विदाउट एनी सेग्रीगेशन। लेकिन कंडीशन ये होता है कि जो सल्यूट पार्टिकल्स के साइज जो है वो 10,000 डाल्टन से कम होना चाहिए, ठीक है। इसको लोग लिखते हैं, ठीक है। तो मेजर कैरेक्टर्स ये है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कंपोजिशन क्या है, ठीक है। बेसिकली सेल वॉल में क्या क्या होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन होते हैं, लिपिड होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा पेप्टाइडोग्लाइकेन होते हैं। तो हम लोग पेप्टाइडोग्लाइकेन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अल्टरनेट एमाइनेटेड शुगर एंड एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल यूरामिक एसिड। ये तीनों होते हैं, ये तीनों क्रॉसलिंक्ड होते हैं ग्लाइकेन्स आर कंपोज ऑफ टू अल्टरनेट अमाइनेटेड शुगर विथ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड
which are cross linked with amino acid, right? तो ये है peptidoglycan का composition. अब हम लोग चूंकि cell wall बहुत important part है तो हम लोग इसको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इसका कंपोजिशन क्या है उसको हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसके बारे में पहले मैं बता देती हूँ. ये जो बैक्टीरिया का जो डिवीजन है ये बेस्ड है ग्राम स्टेन्स के रेस्पॉन्स पे. बैक्टीरिया जिस तरह से ग्राम स्टेन को रेस्पॉन्ड करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफ्रेंशिएट किया गया है. तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ये क्या करते हैं, ग्राम स्टेन को रिटेन करते हैं इवन आफ्टर वॉशिंग विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, राइट. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ससेप्टिबल होते हैं एंटीबायोटिक्स के. तो हम लोग लिखेंगे मोर ससेप्टिबल टू एंटीबायोटिक्स. अगर थिकनेस की बात करें तो थिकनेस किसकी, सेल वॉल की थिकनेस है. तो सेल वॉल की थिकनेस अगर की बात करें तो ये 20 से 80 नैनोमीटर थिक होता है. इसमें लिपिड कंटेंट जो होते हैं कम होते हैं, जस्ट 1 to 5. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेल वॉल जो होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के वो सिंगल लेयर्ड होते हैं, राइट. सेल वॉल का 70 to 80% जो होता है वो पेप्टाइडो ग्लाइकेन होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है टिकोइक एसिड सेल वॉल का, जिसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट बैक्टीरियल सेल फ्रॉम हाई पीएच एंड टेम्परेचर. ठीक है, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं माइकोलिक एसिड. ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड. ठीक है, माइकोलिक एसिड. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में.
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, वैसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से वॉश किया जाए तो ग्राम स्टेन जो होता है वो रिटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये आर लेस ससेप्टेबल टू एंटीबायोटिक्स राइट। अगर हम लोग सेल वॉल की थिकनेस की बात करें तो थिकनेस 8 to 10 नैनोमीटर राइट। लिपिड कंटेंट 20 to 30%। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सबसे बड़ी बात, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल जो होते हैं वो डबल लेयर्ड होता है। ठीक है, डबल लेयर सेल वॉल। ठीक है, डबल लेयर्ड होते हैं इनर लेयर। इनर लेयर में पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। ठीक है, जबकि आउटर लेयर जो है वो डिफरेंट कंपोजिशन के होते हैं। आउटर लेयर में क्या क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लाइपोपॉलीसेकेराइड होते हैं। ठीक है, तो आउटर लेयर में क्या क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और लाइपोपॉलीसेकेराइड। तो इसमें क्या क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और लाइपोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो ये है डबल लेयर सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये जो आउटर लेयर होते हैं इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये एंटीजेनिक होते हैं। एंटीजेनिक होते हैं। ठीक है, लेट मी जूम इट आउट फॉर यू सो दैट यू कैन इजीली ट्रेस राइट। तो ये देखिए, ये है ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। और ये है ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। इसमें आप देख सकते हैं ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर जो होती है वो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में थिक होती है इन कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव वॉल राइट। और यहां पे आप देखिए टिकोइक एसिड यहां प्रेजेंट है। टिकोइक एसिड आपको मैंने बताया था। ठीक है, और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन यहां है। ठीक है, और ये है पेप्टाइडोग्लाइकेन। देखिए यहां इसकी थिकनेस। ठीक है, ये लाइपोपॉलीसेकेराइड, ये है पुरीन। फंक्शन पुरीन के बारे में लिखते हैं, प्रोवाइड पासेज फॉर एरोबिक सब्सटेंस राइट। तो ये है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब हमारा लास्ट जो बचा है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले हम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट लेयर जानना है। एस लेयर, इट इज आई
एडजंट टू ये क्या एंटीजेनिक होता है एंटीजेनिक ठीक है एंड एंडोटॉक्सिक ठीक है ऐसे तक हम लोगों ने क्या क्या देखा सेल एनवेलप देखो सेल एनवेलप में क्या क्या थ्री लेयर्स थे ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हम लोगों ने ग्लाइकोकैलिक्स को कवर कर लिया है सेल वॉल को भी कवर कर लिया है अब हमारा जो बचा है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो अभी हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे ठीक है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसको बहुत सारे नाम से जानते हैं प्लाज्मा लेमा या सेल मेम्ब्रेन ठीक है ये सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होता है सेल का ठीक है सेल जो है ये मान लो साइटोप्लाज्म है ठीक है ये साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर का पार्ट है तो ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ठीक है इसके बाद से आपको मैंने फिगर में भी दिखाया था इसके बाद सेल वॉल होता है उसके ऊपर कैप्सूल होता है ठीक है तो ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन जो होते हैं ये सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं मैंने आपको पहले बताया था कि जो सेल वॉल होते हैं वो फुली परमेबल होते हैं और वो सॉल्यूट्स को जनरली वो अलाउ करते हैं जो 10,000 डाल्टन से कम होते हैं ठीक है लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सिलेक्टिवली परमेबल होता है ये सारे सॉल्यूट्स को अपने अंदर अलाउ नहीं करता है ठीक है इसलिए इसको कहते हैं कि सिलेक्टिव परमेबल है ठीक है तो हम लोग सबसे पहला इसका कैरेक्टर क्या लिखते हैं ये सिलेक्टिव परमेबल दूसरी बात यह है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है कोलेस्ट्रॉल जैसा कोई स्टेरॉल इसमें नहीं पाया जाता है तो हम लोग लिखेंगे लैक कोलेस्ट्रॉल लाइक स्टेरॉल राइट तो ये दो मेजर प्रॉपर्टी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक है अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं होपा नॉइड्स क्या होता है देखते हैं ठीक है ये क्या है ये एक पेंटासाइक्लिक सब्सटेंस होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है ठीक है ये क्या है पेंटासाइक्लिक सब्सटेंस हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है ये क्या है सबसे पहला फंक्शन इसका है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है ठीक है इट इज इलेक्ट्रॉन कैरियर दूसरा फंक्शन इसका है ये इट कैरीज रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ठीक है रेस्पिरेटरी एंजाइम कैरियर हेल्थी हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल ठीक है इट अलाउज राइबोसोमल अटैचमेंट ठीक है अलाउज राइबोसोमल अटैचमेंट राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प
करता है और इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। आगे हम लोग जब राइबोसोम के बारे में स्टडी करेंगे, ये भी एक सेल ऑर्गेनल होता है, तो आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सारा हमारा जो सेल एनवेलप चैप्टर जो है वो उसका मैंने जो मेजर पॉइंट्स है उसको मैंने कवर कर दिया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सेल एनवेलप। ठीक है, क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक्स को देखेंगे, आगे के सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करेंगे।